Bangalore. This is Niketan here. Okay, last 3 days are pending for your CET. Okay, so last 2-3 days mein aapko kya karna hai, uske liye pura video aapke liye dedicated humne kiya hai. First of all, jo abhi aapko first process jo karna hai, first of all aapke hall ticket aap check kijiye. Aapko jo PDF mila hai, specifically PDF, us PDF ke aapko do color printouts nikalna hai. Aur color printout nikal ke aapka ek proper photo, aapka jo photo print ho raha hai, uske baju ke space mein aap stick kijiye. और साइन आपको अक्रॉस करनी है, मतलब आधी साइन पेपर के बाहर और आधी साइन फोटो के ऊपर. ओके, तो आपका एक प्रॉपर हॉल टिकट, दो प्रॉपर हॉल टिकट एक फाइल में जमा करके रखिए. उस हॉल टिकट के साथ आपको एक आईडी प्रूफ कैरी करना है ओरिजिनल. ओके, वो आईडी प्रूफ आपका कॉलेज का आईडी या उसका आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है आप प्रॉपरली बाजू में निकाल के रखिए. ओके, जैसे हॉल टिकट आपका प्रिंट आउट निकालेंगे, उस हॉल टिकट को जब आप चेक करोगे तो आपका सेंटर आपको दिखाई देगा. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है सेंटर आपका कहाँ कहाँ पे. स्टिल अगर आप कंफ्यूज है तो ब्राइटवेज की टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट करके आपका प्रॉपर लोकेशन फाइंड आउट कर लीजिए. ओके, उस हॉल टिकट में आपका डेट लिखा होगा 14 मार्च और 15 मार्च, सैटरडे और संडे, एंड प्लस उस डेट में आपको स्लॉट भी लिखा होगा. तो आपका एक स्लॉट है 9 to 1. तो जिन जिन लोगों का 9 to 1 का स्लॉट आया है, यू नीड टू मेक श्योर दैट कि आप 8:30 को आपके सेंटर पे पहुंच जाओगे. तो जितने जल्दी निकलना पड़े आप निकल जाइए. ओके, एंड दूसरा स्लॉट है जो 1 to 5, तो 1 to 5 के लोगों को शार्प 12:45 तक रीच होना चाहिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप 1-2 मिनट भी लेट हो गए तो सेंटर आपको अलाउ करेगा नहीं. तो वॉट एवर यू मेक द अरेंजमेंट, आप सेंटर पे ऑन टाइम पहुंच जाइए. ओके, तो दिस टू नीड्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ. देन वॉट टू कैरी, जैसे मैंने आपको कहा था, हॉल टिकट, आपका आईडी प्रूफ, आपका पेन पेंसिल, ओके, प्रॉपर ब्लैंक पेपर जो होते हैं वो आपको सब कैरी करके आपका एक बैग प्रॉपरली बना के रखिए. ओके, देन 45 मिनट बिफोर टाइम, अभी आपके हाथ में थर्सडे एंड फ्राइडे है. ओके, तो थर्सडे फ्राइडे में आप नॉर्मल मॉक्स सॉल्व कीजिए, जितना ही मार्क्स आ रहा है उसको प्रॉपर एनालाइज करो कि आपका मार्क्स कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, बस इतना ही करो. आप हर एक सेक्टर के हर एक मॉक में सेक्शन वाइज चेक करने जाओगे तो आगे नहीं मिलेगा, इट्स विल गेट कंफ्यूज. तो कल या परसों आपको या 2 या 3 मॉक सॉल्व करना है, डेट्स इट. एंड बिफोर द पेपर, मतलब अगर आपको सैटरडे को पेपर है तो फ्राइडे को आपको कुछ नहीं करना है, संडे को पेपर है तो आपको सैटरडे को कुछ नहीं करना है. ओके, उसके बाद वर्बल, जैसे मैंने आपको बोला था, आपके दिमाग में माइंड मैप क्लियर होना चाहिए. जैसे ही आपके हाथ में पेपर आया, 4 सेक्शन आपको दिखाई देंगे. वर्बल, पहले आपको वर्बल सॉल्व करना है, वर्बल के बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सॉल्व करना है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करना है, लॉजिकल रीजनिंग के बाद मैथ सॉल्व करना है. सब स्टूडेंट्स को हमने 150 मिनट को बैकफर्केट कैसे करना है उसका भी प्रॉपर प्लानिंग दे दिया है. तो विद दिस नोट, आप हॉल टिकट, सेंटर और आपका टाइम, इसको प्रॉपर मद्देनजर रखते हुए आने वाले 2-3 दिन को प्रॉपरली प्लान कीजिए. एंड जितना भी डाउट्स अगर आपको होंगे तो थाने के सेंटर पे विजिट कीजिए, आपके डाउट को सॉल्व कीजिए. तो विद दिस नोट, योर काउंटडाउन हैज स्टार्टेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्क्स. एंड आई एम 100% श्योर विद द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ टाइम आप सब लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्यूचर. थैंक्स लॉट.